हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का एक और शानदार वीडियो, एक और शानदार क्लास। और पिछला जो वीडियो हमारा रहा था वहाँ पर हम लोगों ने 17 जुलाई तक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया था। उससे आगे की चीज़ों को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 18 से लेकर 22 जुलाई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो भी वीडियोस यहाँ पर आप लोगों को यूट्यूब पर अवेलेबल कराया जाता है, ये सारा का सारा वीडियो जो होता है हमारे पेड कंटेंट का हिस्सा होता है। ठीक है, बैंकिंग मास्टर 2 नाम से हम लोग एक अपना वीडियो कोर्स चलाते हैं जो कि किसी भी बैंक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर उस बैंक एग्जाम में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछी जा रही है तो। साथ ही साथ में बैंकिंग मास्टर 2 बैच के साथ साथ में एक पीडीएफ कोर्स भी हम लोग चलाते हैं जहां पर एनुअल बेसिस पर आप लोगों को पीडीएफ भी अवेलेबल कराई जाती है। और उन दोनों कोर्सेज के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से जाकर आप लोग हमारा प्रीमियम कंटेंट परचेज कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को शानदार जबरदस्त जिंदाबाद रख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का हमारे स्क्रीन पर है और देखो इसमें क्या बोला गया है। इन ऑर्डर टू ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज टू फेडरेशन सप्लाई नेटवर्क पैन इंडिया अंडर द मुद्रा स्कीम, व्हिच बैंक हैज रिसेंटली साइंड एमओयू विद द गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड GCMMFL ऑल्सो नोन एज अमूल। यानी कि मुद्रा योजना के तहत पूरे भारत में फेडरेशन के आपूर्ति नेटवर्क को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, जिसे कि अमूल के नाम से भी जाना जाता है, उसके साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पंजाब नेशनल बैंक जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक ने अभी हाल ही में अमूल, ठीक ना, अमूल के साथ में एक MOU साइन किया हुआ है। क्यों साइन किया हुआ है ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया। यहाँ पर बात हो रही है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, ठीक ना, ये अमूल जो दूध होता है हमारा उसकी एक ब्रांड है, उसकी कंपनी का नाम जो है वो जो कंपनी दूध बनाती है, ठीक है ना, वो है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। तो अमूल इसकी ब्रांड है इसलिए अमूल भी लिख दिया गया है। तो ऑप्शन में अगर आपको गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क लिमिटेड मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड मिलेगा तो वो लगाइएगा, अमूल मिलेगा तो वो लगाइएगा। क्वेश्चन की फ्रेमिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इसलिए काफ़ी चीज़ें आपको मैं बताते हुए चलता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए। कुछ इन्फॉर्मेशन हमको हमेशा क्वेश्चन से मिलती है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमेशा हमको ऑप्शन से उसके आंसर से मिलती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा आपको एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ, कुछ चीज़ें आपको PDF में भी मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना जरूरी होता है, इन सारी चीज़ों को पढ़ो, आँख कान नाक गला मुंह सब खोल के रखा करो, एक्टिव तरीके से हमको अपनी पढ़ाई करती रहनी होती है। नहीं तो फिर एग्जाम में क्या होगा कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग बदल देंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल देंगे, फिर हम वहाँ पर दिल गलती कल बैठा वाली सिचुएशन हमारी बन जाएगी। तो वो ना हो, उससे बचने के लिए हमको एक्टिव तरीके से आँख कान नाक गला सब कुछ खोल के को पढ़ाई करनी होती है। पंजाब नेशनल बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात किसकी हुई है, यहाँ पर बात किसकी हुई है, यहाँ पर बात हुई है मुद्रा स्कीम की भी बात हुई है। मुद्रा स्कीम पर भी हम लोग चर्चा थोड़ा बहुत करेंगे। मुद्रा स्कीम के तहत में अमूल के पैन इंडिया सप्लाई नेटवर्क की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने एक MOU साइन किया हुआ है अमूल के साथ में। अमूल मैंने बताया कि ये एक ब्रांड है दूध इसका आता है, आपको पता होगा उसकी कंपनी का नाम क्या है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, ये भी मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन में क्या क्या रहेगा ये भी मैंने बता दिया, इसके मतलब तहत आप लोग कर लीजिएगा। और इसके तहत में जो ये MOU साइन किया गया है, इस MOU के साइन हो जाने के बाद में जो भी अमूल के डीलर्स होंगे, अमूल दूध के या अमूल के और जो प्रोडक्ट्स हैं उसके जो भी डीलर्स होंगे, उसके जो रिटेलर्स होंगे, उसके जो मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, उन सभी को मुद्रा स्कीम के तहत में लोन दिया जाएगा। मुद्रा स्कीम के बारे में मैंने बताया कि मुद्रा स्कीम आ रहा किया आएगा। मुद्रा स्कीम मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा कि पिछले वीडियोज़ में मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है, कई बार आप लोगों को बताया हुआ है, तो वहाँ से आप देखिएगा अननेसेसरी टाइम हम लोग यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे। कितने टाइप की मुद्रा स्कीम होती है, शिशु किशोर तरुण क्या क्या कैसे क्या क्या होता है, किसके किस किस टाइप में कितना कितना लोन दिया जाता है, क्या कुछ है, ये सब कुछ आपको पढ़ाया जा चुका है, पिछले वीडियोस में पढ़ाया जा चुका है, पिछले मंथ की जो PDFs वगैरह रही उसमें बताया जा चुका है। तो आप लोग उसको रिकॉल कर लेना। मैंने चीज़ों को हाईलाइट इसलिए किया, फोर्सफुली मुद्रा स्कीम के बारे में बताया इसलिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया जा सकता है। जब भी हम आप लोग मुझसे पूछते हो कि सर किसी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बता दो, इसके बारे में पढ़ा दो, तो मैं क्या बोलता हूँ कि जो क्वेश्चन पढ़ने के टाइम पर हमारे सामने जो स्कीम्स आती हैं उसको मैं उस टाइम पर बताते हुए चलता हूँ। अलग से स्कीम नाम से, गवर्नमेंट स्कीम नाम से कोई फोल्डर नहीं बनाया मैंने, कोई उसके वीडियोस में नहीं अवेलेबल कराता हूँ क्योंकि अननेसेसरी कंटेंट भरा पड़ा हुआ है।
कितना पढ़ना है इससे ज़्यादा ये जानना जरूरी है कि कितना छोड़ना है। तो जो जरूरत होती है मैं उसी टाइम पर बताते हुए चलता हूँ। मुद्रा स्कीम भी इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, टाइम नहीं खराब कर रहा हूँ, क्योंकि पहले पढ़ाया जा चुका है। ठीक, तो आप लोग उसको वहाँ से रिकॉल करिएगा। पंजाब नेशनल बैंक की यहाँ बात हुई है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। MD एंड CEO पंजाब नेशनल बैंक का कौन है ये मैं नहीं बताऊंगा। इसके साथ साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा भी ऑप्शन में दिया गया है। इनके सबके MD एंड CEO, इनके सबके हेडक्वार्टर्स, इनके सबके टैगलाइंस, इनका सबका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, यहाँ सबसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और सब कुछ पढ़ाया जा चुका है, सब कुछ पढ़ाया जाता है, सब कुछ PDF में मिलता है। तो आप लोग इसको रिकॉल करते हुए चलिएगा। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट सीमलेस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन एंड पेमेंट एंड फोस्टर ग्रेटर इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI एंड विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक हैज रिसेंटली इंड टू एग्रीमेंट्स ड्यूरिंग द विजिट ऑफ PM मोदी टू दैट पर्टिकुलर कंट्री। यानी कि क्या कहना चाह रहा है ये, सीमा पार लेन देन, निर्बाध सीमा पार लेन देन और भुगतान की सुविधा के लिए और दोनों देशों के बीच में अधिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI और किस देश की केंद्रीय बैंक ने अभी हाल ही में PM मोदी की उस देश की यात्रा के दौरान दो समझौतों पर हस्ताक्षर किया है, ये इसमें पूछा है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल बैंक ऑफ UAE। ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल बैंक ऑफ UAE इसका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी UAE के यात्रा पर थे और उस दौरान क्या क्या समझौते हुए, क्या क्या चीज़ें हुई, वो सब भी जानना हमारे लिए ज़रूरी होता है। अगर हम लोग बैंक PO और क्लर्क की भी तैयारी कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री की विजिट के दौरान दोनों देशों के बीच में क्या क्या समझौते हुए, वो सब कुछ जानना हमको ज़रूरी होता है। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ Scale 2 Scale 3 की तैयारी कर रहे हैं तो उस यात्रा के दौरान जो समझौते बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड होगा वो जानना जरूरी होता है, क्योंकि Scale 2 और Scale 3 में जनरल अवेयरनेस नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आता है। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड जो न्यूज़ होगी वो हमारे को फोकस करना होता है। PO क्लर्क वालों को किसी भी यात्रा के दौरान और भी क्या क्या समझौते होते हैं उस पर भी हमको मतलब ध्यान देना होता है। ऑप्शन नंबर ए UAE इसका आंसर होगा। बाकी और भी ऑप्शन ये जो भी बैंकें दी गई हैं ये सभी इन देशों के सेंट्रल बैंक का नाम है। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि USA के सेंट्रल बैंक का क्या नाम है, जैसे इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम RBI है, वैसे USA के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, फेडरल रिजर्व हो जाएगा, ठीक है ना। द रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक का नाम है, द बैंक ऑफ फ्रांस जिसको फ्रेंच लैंग्वेज में ये बोलते हैं, ठीक है ना, बैंक ऑफ द फ्रांस, ठीक है। तो ये सब भी जो भी दिए गए BCD में ये इन देशों के सेंट्रल बैंक्स हैं, ठीक, ये चीज़ आप लोग समझिएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरफ भी इशारा करता है कि PM मोदी की अगर कोई फॉरेन विजिट हो रही है तो किस किस समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, वो भी आप लोग मतलब ध्यान रखना। मैंने बताया कि किसको क्या ध्यान रखना है, बैंकिंग फाइनेंशियल किसको फोकस करना है और भी समझौते पर किस किस को फोकस करना है, ये सब भी आप लोग मतलब देखना, ठीक है। इस तरीके से अपनी पढ़ाई करना, ये सब हमारे माइंड में होना चाहिए, ठीक है। और शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर और खालिद मोहम्मद बालमा ये जो सेंट्रल बैंक ऑफ UAE है इसके गवर्नर हैं, इन दोनों ने समझौते पर हस्ताक्षर किया। किसने किसने समझौते पर हस्ताक्षर किया फिर से मैं बोल रहा हूँ, सुनना आप लोग। शक्तिकांत दास ये RBI के गवर्नर हैं और खालिद मोहम्मद बालमा जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ UAE के गवर्नर हैं, इन दोनों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया। और इस समझौते के अंतर्गत लोकल करेंसीज यानी कि लोकल करेंसीज किसको बोलेंगे, इंडिया के लिए लोकल करेंसी क्या हो जाएगी, INR हो जाएगी, इंडियन रुपीज़ हो जाएगी, ठीक ना। UAE के लिए लोकल करेंसी क्या हो जाएगी, दिरहम हो जाएगी, ठीक ना। कैपिटल करेंसी भी PO क्लर्क में पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग मतलब समझना। तो ये जो समझौता हो गया, इस समझौते के हो जाने के बाद में लोकल करेंसीज यानी कि इंडियन रुपीज में और UAE दिरहम के माध्यम से क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट किया जाएगा, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में भी दिखाया गया है, पूछा गया है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन से भी मिलती है, ठीक है ना। इसके साथ साथ में इस समझौते के हो जाने के बाद में UPI को भी UAE में प्रमोट किया जाएगा, ठीक है ना। स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम को बाईपास करके इंडिया के स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम जिसको कि हम लोग SFMS बोलेंगे, ठीक ना। फिर से सुन लो आप लोग, जो स्विफ्ट मैसेजिंग होती है, स्विफ्ट कोड कितने डिजिट का होता है, स्विफ्ट क्या होता है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है ना। तो ये जो समझौता हुआ, इस समझौते के हो जाने के बाद में स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम को बाईपास करके इंडिया के स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम SFMS और UAE के मैसेजिंग सिस्टम का उपयोग बाइलेटरल फाइनेंशियल मैसेजिंग के लिए किया जाएगा, एक दूसरे देशों के डोमेस्टिक कार्ड के एक्सेप्टेंस के लिए, जो ये MOU साइन किया गया, जो ये एग्रीमेंट साइन किया गया,
इस एग्रीमेंट के साइन हो जाने के बाद में एक दूसरे देशों के यानी कि इंडिया और यूएई के डोमेस्टिक कार्ड के एक्सेप्टेंस के लिए कार्ड स्विचिंग को भी प्रमोट किया जाएगा, ठीक है ना। कार्ड स्विचिंग को भी प्रमोट किया जाएगा, यानी कि रुपए कार्ड को यूएई कार्ड से स्विच किया जा सकेगा। अब कैसे स्विच किया जाएगा, क्या किया जाएगा, उस प्रोसेस पे नहीं जाएंगे, उतना अननेसेसरी उलझने की जरूरत नहीं है। मैंने बार बार बोला है और हमेशा बताता रहता हूँ कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कितना एक्सप्लेनेशन चाहिए उतना ही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया जाएगा। नेसेसरी बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा हो जाती है, फिर उसको जानने की जरूरत नहीं होती, टाइम अपना खराब नहीं करना होता। कुछ इन्फॉर्मेशन पीडीएफ में भी दे ही दी जाती है, तो रिविजन करने के टाइम पर आप लोग पीडीएफ वगैरह पढ़ते हो तो वहाँ से भी आपको चीज़ें याद रहेंगे। फिलहाल इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर है सेंट्रल बैंक ऑफ UAE। अकॉर्डिंग टू RBI पेपर पब्लिश बाई RBI इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट इन RBI बुलेटिन जुलाई 2023 टाइटल्ड इंडिया एट 100, इंडिया नीड्स टू अचीव एन एवरेज एनुअल रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP ग्रोथ रेट ऑफ 7.6% ओवर द नेक्स्ट 25 ईयर्स टू बिकम डेवलप्ड नेशन बाई 2047 टू 2048 एंड दिस वुड रिक्वायर रेजिंग द करेंट पर कैपिटा GDP फ्रॉम USD 2500 टू USD 22,000 एंड इंक्रीज ऑफ 8.8 टाइम्स। हु इज द ऑथर ऑफ दिस RBI रिपोर्ट, ठीक है ना, हु इज द ऑथर ऑफ दिस रिपोर्ट, यानी कि RBI बुलेटिन जुलाई 2023 में RBI के आर्थिक अनुसंधान विभाग द्वारा प्रकाशित RBI पेपर के अनुसार, जिसका शीर्षक इंडिया एट 100 है, भारत को अगले 25 वर्षों में 7.6% की औसत वार्षिक वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने की आवश्यकता है, जिससे कि 2047-48 तक एक विकसित राष्ट्र और इसके लिए वर्तमान प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद को $25,000 से बढ़ाकर $22,000 करने की आवश्यकता होगी, जो कि 8.8 गुना की वृद्धि है। इस RBI पेपर के लेखक कौन है, ये इसमें पूछा गया। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है, ठीक है, जो लैंग्वेज आपको समझ में आएगी उस लैंग्वेज से आप क्वेश्चन को समझ लीजिएगा और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है ना। थोड़ा सा आसान भाषा में इसको एलिबरेट करेंगे, थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है, सबसे बड़ी चीज़ की RBI पेपर है ये, ठीक है ना। RBI का जो इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट है उसका जो जुलाई 2023 वाला बुलेटिन आया है इंडिया एट 100 नाम से, ठीक है, वो RBI के द्वारा ये RBI पेपर मतलब रिलीज किया गया है। इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं, कुछ चीज़ें बताई गई हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन से मिल रही है, कुछ चीज़ें पीडीएफ से भी मिलेंगी, वो आप लोग वहाँ से पढ़ना, ठीक है ना। तो ये जो RBI पेपर है ये किसके द्वारा, इसका ऑथर कौन है, किसने इस पेपर को तैयार किया है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन में नाम क्या क्या है, ए में ऑप्शन क्या है हरेंद्र बेहरा और वी धान्या, और ऑप्शन नंबर बी में क्या है कुणाल प्रियदर्शी और सपना गोयल। तो ये जो चारों लोग हैं ये इन्होंने मिलकर इस RBI पेपर को तैयार किया हुआ है, ये इसके ऑथर हैं, इसलिए जो है इसका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। ठीक, जितनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है वो आप लोग याद रख लेना, ठीक है ना। 25,000 USD से पर कैपिटा इनकम बढ़ाकर कितनी करनी होगी, 22,000 हो जाएगी, जो कि 8.8 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। 2047-48 तक डेवलप्ड नेशन बन जाना है, तो अगले 25 सालों के लिए 7.6% की एवरेज रियल GDP ग्रोथ होनी चाहिए। ये सब इसी रिपोर्ट में बताया गया है, ये सब कुछ इसी रिपोर्ट में बताया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, वो आप लोग PDF से पढ़ना, ठीक है ना। पेपर का ऑथर कौन है ये इसमें पूछा गया था, ये आपको बता दिया गया, आप लोग याद रखना। RBI का ये मंथली बुलेटिन है जो कि 17 जुलाई को भी रिलीज किया गया था, RBI का मंथली बुलेटिन था ये, 17 जुलाई को रिलीज किया गया था। रिपोर्ट का नाम भी आप लोग याद रखना इंडिया एट 100, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखना। यहाँ पर एक बात हुई है, एक टर्म यूज हुआ है डेवलप्ड नेशन, तो डेवलप्ड नेशन क्या होता है, विकसित देश कौन से होते हैं, इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं पता, कोई सर्टेन क्राइटेरिया भी इसका नहीं है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने 2022-23 के दौरान 13,205 वर्ल्ड बैंक ने 13,205 USD, ठीक ना, वर्ल्ड बैंक ने 2022-23 के दौरान 13,205 USD या फिर इससे अधिक के पर कैपिटा इनकम वाले देशों को हाई इनकम कंट्री माना हुआ है, उनको डेवलप्ड नेशन का मतलब दर्जा दिया है, ऐसा इसने बोला है, ठीक है ना। पूरी की पूरी एक रिपोर्ट है, इसके सारे पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो जो चीज़ें बतानी थी वो आपको बता दी गई हैं। मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसको
इसीलिए क्वेश्चन में ही फ्रेम कर दिया गया। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पीडीएफ में मिलेगी, वहां से आप लोग पढ़ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पीडीएफ जरूर पढ़ना। कितना आरबीआई की कई सारी रिपोर्टें ऐसी आ जाती हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिसपे समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन फ्रेम कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए। तो इस तरीके से मैं कुछ क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ और जो चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है मैं बता भी देता हूँ कि इसको पीडीएफ में आप लोग पढ़ लेना। एक बार पढ़े भी रहेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप करके लेके जाओगे। आगे बढ़ते हैं। विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म विद मंथली सब्सक्रिप्शंस। हाल ही में किस कंपनी ने मासिक सदस्यता के साथ में भारत का पहला स्वास्थ्य बीमा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये इसमें पूछा गया है। यानी कि मंथली सब्सक्रिप्शन है और इंडिया का पहला हेल्थ इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है, कौन सी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, फोन पे इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हम लोग PIBS भी बोलेंगे शॉर्ट में। और ये जो PIBS है ये फोन पे का उसकी होली ओन सब्सिडरी है ये, ठीक है ना। और इसने किसने यानी कि फोन पे इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने कई सारे लीडिंग प्रमुख इंश्योरर्स के साथ में मिलके ये कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। और फोन पे यूपीआई के द्वारा ग्राहकों को ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ में इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करने की फैसिलिटी देने वाली इंडिया की पहली और एकमात्र इंश्योरेंस कंपनी बन गई है फोन पे इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये चीज़ आप लोग याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि ये इंडिया की फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म बन गया है जो कि मंथली, यहाँ पर बात हो रही है मंथली सब्सक्रिप्शन दे रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ इसलिए भी इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि ये मंथली हो रहा है, मासिक सदस्यता दे रहा है, और इंडिया का अगर कुछ भी पहला हो रहा है और लास्ट होता है तो चीज़ इंपॉर्टेंट मतलब ऑलरेडी बन ही जाती है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। मंथली इंस्टॉलमेंट वाला फीचर ये इसे अलग बनाता है, ठीक है, और ये आप लोग मतलब याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु कर्नाटका में है, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। IRDAI के साथ में फोन पे इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज लिमिटेड, ब्रोकिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये IRDAI के साथ में एज ए डायरेक्ट ब्रोकर लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस के रूप में इसने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सपांड इट्स पोर्टफोलियो ऑफ अफोर्डेबल होम फिनेंसिंग फैसिलिटी टारगेटिंग सस्टेनेबल हाउसिंग्स, IIFL होम फिनेंस लिमिटेड हैज रिसेंटली सिक्योर्ड हाउ मच लोन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इंटरनेशनल डेवलपमेंट फिनेंस कॉरपोरेशन DFC। विशेष रूप से टिकाऊ आवास को लक्षित करने वाले किफायती गृह वित्त पोषण के अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प DFC के से कितना ऋण प्राप्त किया हुआ, ये इसमें पूछा है। 50 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वन लाइनर ही करेंगे। एज पर द एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जुलाई 2023 रोबस्ट ग्रोथ विद मॉडरेटिंग इन्फ्लेशन पब्लिश्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक, व्हाट विल बी इंडियाज प्रोजेक्टेड GDP इन फाइनेंशियल ईयर 24। एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रकाशित एक एशियाई विकास आउटलुक ADO जुलाई 2023 मध्यम मुद्रास्फीति के साथ मजबूत विकास के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की अनुमानित GDP क्या होगी, इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 6.7%, ऑप्शन नंबर बी। ये अब GDP आप लोग याद करते हुए चलना, इसको नोट डाउन करते हुए चलना, अब ये बदलने वाली नहीं है आपके एग्जाम से पहले जो सितंबर में लगा हुआ है, तो इसको नोट डाउन करते हुए चलना। और ये 6.7% है ये फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात होगी, ये भी आप लोग ध्यान रखना, क्वेश्चन में देखो पूछा गया है ना 2024 की बात हो रही है। और फाइनेंशियल ईयर अगर 2023 की बात करेंगे तो उस कंडीशन में ये अनुमान 6.4% का है, ऑप्शन में देखो ये भी दिया गया है आप जिससे गलत कर लो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो दोनों को आप लोग याद रखना, फाइनेंशियल ईयर 2024 में 6.7%, फाइनेंशियल ईयर 2023 में 6.4%, एग्जाम में देखना पूछा क्या गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये जारी की गई है, एग्जाम से पहले की GDP अभी चेंज नहीं होगा। किस नाम से रिपोर्ट जारी की गई है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक ADO जुलाई 2023 रोबस्ट ग्रोथ एंड मॉडरेटिंग इन्फ्लेशन, ये रिपोर्ट का नाम भी आप लोगों को याद होना होता है, ठीक है। इस हिसाब से आप लोग मतलब चीज़ों को पढ़ते हुए चला करो। GDP अब जो भी आपके सामने आए उसको आप लोग अब नोट डाउन करते हुए चलना, याद करते हुए चलना, अब वो बदलने के चांसेस नहीं है आपके एग्जाम तक। ADP के द्वारा क्या क्या रहा GDP रहेगी ये मैंने बता दिया। इसके साथ साथ अगर वर्ल्ड बैंक की अगर हम लोग बात करें, यहीं पर रिवाइज कर दे रहा हूं, आप उसको नोट डाउन कर लेना। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो प्रेडिक्शन है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए वो 6.3% रहने का अनुमान है। फिच रेटिंग्स की अगर हम लोग बात करते हैं, फिच रेटिंग्स के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये 6.3% ही रहने का अनुमान है, सेम है दोनों का। RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी अभी
ठीक ना, आरबीआई एमपीसी की जो मीटिंग हुई थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, उसके हिसाब से 2023-24 के दौरान ये जीडीपी 6.5% रहने का अनुमान है। ये भी आप लोग याद रखना कि ये कुछ और जीडीपी आपको मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया है। नोट्स वगैरह अगर आप लोग बनाते हो तो वहाँ पर इसको एक साथ लिख लेना, फाइनेंशियल 23-24 का करना। आगे आने वाले वीडियोज़ में भी एक दो क्वेश्चन मैं और बनाऊंगा, वहाँ पर भी सारी चीज़ें आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जीडीपी पे अब आप लोग नोट डाउन करना स्टार्ट कर देना। अब ये जो भी होगा ये फाइनल होगा आपके एग्जाम के लिए, अब एग्जाम तक चेंजेस होने के चांसेस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू ज्वाइंटली स्ट्रेंथन द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद द एब्सोल्यूट ए बायोसाइंस कंपनी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को संयुक्त रूप से मजबूत करने के लिए किस संगठन ने हाल ही में बायोसाइंस कंपनी एब्सोल्यूट के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ये इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है और इसका जो आंसर हो जाएगा यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यूएनडीपी ने अभी हाल ही में बायोसाइंस कंपनी एब्सोल्यूट के साथ में एक मतलब एमओयू साइन किया हुआ है। क्यों साइन किया गया है? जिससे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मिलकर, ये दोनों मिलकर और उसको ज़्यादा मजबूत बनाए, ठीक ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। थोड़ा सा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में भी जानते हैं, इसके बारे में पीडीएफ में भी मैं डिटेल दिया हूँ, वहाँ से भी आप लोग पढ़ना। अभी यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो होती है वो इंडियन गवर्नमेंट की, भारत सरकार की क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, यानी कि फसल बीमा योजना है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत आती है। ये भी पूछा जा सकता है कि किसके अंतर्गत ये स्कीम आती है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। और ये दोनों जो ये यूएनडीपी है और ये जो एब्सोल्यूट है, एमओयू के साइन कर लेने के बाद में ये दोनों जो है इस योजना को और ज़्यादा इन्हेंस करेंगे, किसानों की मदद करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करेंगे, टेक्नोलॉजी के हेल्प से किसानों की मदद करेंगे, बहुत सारे आधुनिक तरीकों के माध्यम से, डाटा एनालिटिक्स के माध्यम से चीज़ों को समझ कर, रिसर्च कर कर किसानों की मदद की जाएगी इस एमओयू के साइन हो जाने के बाद में। इसके साथ साथ 2018 से ही जो यूएनडीपी है, यूएनडीपी का फुल फॉर्म आप लोग याद रखना, 2018 से ही यूएनडीपी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ काम कर रही है और इसकी टेक्निकल हेल्प कर रही है, इसे टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड कर रही है किसानों की मदद करने के लिए, ठीक है ना। फिर से वापस आते हैं हम लोग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर। मैंने बोला ना कि जो स्कीम्स होती हैं, लोग बार बार मुझसे बोलते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम के लिए सब बता दो, ठीक है ना। तो उनके लिए बस यही है कि जो योजनाएं हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहती हैं वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन करने के टाइम पर इन योजनाओं के बारे में मैं बता देता हूं, पढ़ा देता हूं। योजनाओं के नाम से एक अलग सेपरेट वीडियो नहीं बनाता हूं, योजनाओं के नाम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट नहीं बनाता हूं। आप लोग भी इस बात को समझो कि जो योजनाएं न्यूज़ में रहेंगी, जो योजनाएं हाल फिलहाल के करंट अफेयर्स में रहेंगी, वहीं से क्वेश्चंस पूछा जाता है, और मैं क्वेश्चन करने के टाइम पर उसी टाइम पर वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो अननेसेसरी कंटेंट में उलझने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ें मैं पढ़ाती हुई चल रहा हूँ, पिछले 4-5 सालों से मेरा ऑनलाइन पढ़ाने का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने पैटर्न देखा है, जो चीज़ों को मैंने समझा बूझा है IBPS के बारे में, उसी हिसाब से मैं अपना कंटेंट अपडेट करता रहता हूँ, उसी हिसाब से मैं अपना कंटेंट बनाते रहता हूँ। तो आप लोगों को थोड़ा सा भरोसा करना होगा, अननेसेसरी उसको उलझना नहीं होगा। जिस तरीके से आपको पढ़ाई जा रहे हैं उस तरीके से आप लोग पढ़ाई करते हुए चलिए। वापस से फिर से आते हैं फसल बीमा योजना के बारे में, कुछ चीज़ें बताई और मौसम की वजह से जो फसलें खराब हो जाती हैं, ठीक है ना, कीटाणु लग जाते हैं, जीवाणु लग जाते हैं, जब फसल खा जाने वाले कुछ ऐसे कीटाणु देखो हवा में उड़ते रहते हैं जो फसल को खा जाते हैं, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, या फिर कोई अप्राकृतिक आपदा आ गई, आग लग गई, बाढ़ आ गया, जानवरों ने उसको चर लिया, खा लिया खेत को, इस तरीके से मतलब इन सब स्थितियों की वजह से जो फसल का नुकसान होता है उसकी भरपाई करने के लिए इस योजना के तहत में फसल बीमा कराया जाता है, और किसानों के जो नुकसान होते हैं उसकी भरपाई की जाती है, उनको आर्थिक लाभ दिया जाता है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। 2016 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, 2016 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक ना। दो स्कीम्स को रिप्लेस करके इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। कौन कौन सी वो स्कीम्स हैं जिसको रिप्लेस करके ये नई योजना लॉन्च की गई थी? तो पहली स्कीम थी नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, दूसरी स्कीम थी मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम्स। इन दोनों स्कीम्स को रिप्लेस करके, इन दोनों स्कीम्स को हटा के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। वन नेशन वन स्कीम के तहत में इस योजना को लॉन्च किया गया था। वन नेशन मतलब एक देश एक योजना
के तहत में इसको लॉन्च किया गया था, इसीलिए जो पिछली चली आ रही जो पुरानी दोनों योजनाएं थी उसको हटा दिया गया, उसको मर्ज कर दिया गया। आप ये बोल दीजिए कि उसको मर्ज कर दिया गया, या फिर ये बोल दीजिए कि उसको हटा दिया गया, उसको रिप्लेस कर दिया गया, उसकी जगह पर ये लॉन्च कर दिया गया, ठीक है ना। और इस स्कीम के तहत में खाद्य फसलें जिसको कि हम लोग फूड क्रॉप्स बोलते हैं, ऑयल सीड यानी कि जिससे तेल मिलता है हमको, जैसे सूरजमुखी हो गया, जैसे सरसों हो गया, तो तिलहन मतलब तेल वाली जो फसलें होती हैं, ठीक है ना, वो आती हैं। एनुअल कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चरल फसलें आती हैं इस स्कीम के तहत में। ये भी पूछा जा सकता है कि स्कीम के तहत में कौन कौन सी फसलें आती हैं, ठीक है ना, तो वो भी आप लोग याद रखना। और जो किसान बैंकों से इंस्टीट्यूशनल लोन लिए हैं उनके लिए स्कीम मैंडेटरी है, और जिन्होंने नहीं लिया उनके लिए ऑप्शनल है। इस योजना के लिए सभी धनराशि जो आती है इस योजना के तहत में, जो किसानों को मुआवजा वगैरह दिया जाता है, जो धनराशि आती है वो कृषि कल्याण कोष से आती है, ये भी आप लोग याद रखना। कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको पीडीएफ में मिलेंगे, वहाँ पर आप लोग इसको जाके पढ़ना कि कितना कितना प्रीमियम वगैरह इसका कितना कितना होता है इंश्योरेंस के तहत, वो मैं यहाँ पर नहीं शामिल कर रहा हूँ, वो पीडीएफ में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग उसको पढ़ना। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ गया था। आगे बढ़ते हैं। Which Foundation Day of National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD was recently observed on the 12th of July 2023? हाल ही में 12 जुलाई 2023 को NABARD का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा 42nd ऑप्शन नंबर बी, 42वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में NABARD का 12 जुलाई 2023 को मनाया गया। प्रगति मैदान नई दिल्ली में एक इवेंट आयोजित करके इसे सेलिब्रेट किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह जी इसके चीफ गेस्ट थे। कई सारे इवेंट्स और वेबिनार भी आयोजित किए गए थे इस इवेंट के दौरान, और उनकी थीम थी, मतलब उसकी थीम क्या थी वो भी हम लोग जान लेते हैं, थीम भी पूछा जा सकता है। तो थीम इसकी थी NABARD 42 ईयर ऑफ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी थीम थी। जो भी इवेंट्स जो भी वेबिनार आयोजित किए गए थे NABARD के 42वें स्थापना दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए 12 जुलाई 2023 को प्रगति मैदान नई दिल्ली में, उसकी थीम थी NABARD 42 ईयर्स ऑफ रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। ये पीडीएफ में भी आपको मिलेगा। NABARD की स्थापना कब हुई थी ये दिमाग में आ जाना चाहिए। 12 जुलाई 1982 में NABARD की स्थापना हुई थी। इस बार 42वां फाउंडेशन डे मतलब इसकी स्थापना दिवस मनाया गया था। NABARD का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप लोग कमेंट कर बताओगे, आपको याद होगा, मैं बता इसलिए नहीं रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं पूछते हुए भी चलता हूँ, और ऐसा नहीं कि NABARD का हेडक्वार्टर मैं फर्स्ट टाइम आपसे पूछ रहा हूँ, पढ़ाया है तब पूछ रहा हूँ। NABARD का चेयरपर्सन कौन है ये भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप इसको रिकॉल करो, कमेंट कर बताओ। आगे बढ़ेंगे। अंडर द इंडियन प्रेसिडेंसी द थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स 2023 मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच सिटी इन जुलाई 2023। भारत की अध्यक्षता में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स 2023 की बैठक जुलाई 2023 में किस शहर में आयोजित की गई थी ये इसमें पूछा गया है। गांधीनगर गुजरात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बस ऑप्शन नंबर ए गांधीनगर गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। 17-18 जुलाई को ये मीटिंग हुई थी। निर्मला सीतारमन और शक्तिकांत दास जी की संयुक्त अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के दौरान इंडिया इंडोनेशिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग भी लॉन्च किया गया था। कुछ और डिसीजन लिए गए थे वो भी आपको पीडीएफ में मिलेगा, वो भी देख लेना। बस इतना ही यहाँ पे जानना जरूरी है। इतनी सारी बैठक हो गई है इस बार G20 की इंडिया में, ठीक है ना, किस पे क्वेश्चन इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग बनेगा, इतनी ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा कि क्या ही बोला जाए, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी एक साल के लिए इंडिया के पास में है, भारत के पास में ही है, लगातार दबा की मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं इंडिया में, ठीक है। तो बहुत सारी बैठकें G20 देशों की हो गई हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस भी हैं, बनेंगे भी, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी हो रहा है। तो अगर सजेशन मेरा आप मानिएगा तो एक पेज 2-4 पेज अलग से बना लीजिएगा G20 के लिए, और वहाँ पे G20 की जितनी भी मीटिंग्स हैं क्या क्या उसके आउटकम्स रहे वो थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, तो फिर आपके लिए वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन आपको एग्जाम में नहीं लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स व्हिच कोऑपरेटिव बैंक्स लाइसेंस हैज रिसेंटली बीन कैंसल्ड बाय द RBI इन जुलाई 2023। पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं की कमी के कारण हाल ही में जुलाई 2023 में RBI ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है ये इसमें पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक ऑप्शन नंबर ए। बस इतना ही जानते हैं। कई सारी कोऑपरेटिव बैंकों का भी हाल फिलहाल में लाइसेंस रद्द किया गया है, कैंसिल किया गया है RBI के द्वारा। सबके अपने अलग अलग रीजंस रहे हैं। मैक्सिमम रीज़न यही रहा है कि एडिक्वेट कैपिटल नहीं है उनके पास में, अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है, यानी कि उन कोऑपरेटिव बैंकों के पास में पर्याप्त पूंजी नहीं है, उनके पास में कमाई का कोई जरिया नहीं है, इसलिए RBI के द्वारा बहुत सारी कोऑपरेटिव बैंकों का लाइसेंस अभी 1-2 महीनों के अंदर कैंसिल किया गया है। तो उन सबके नाम आप लोग याद रखना,
ठीक है ना, किसका किसका लाइसेंस कैंसिल नहीं किया गया, ऐसा करके क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कभी हाल फिलहाल के महीनों में या जुलाई महीने में या जून महीने में या इस महीने में आरबीआई के द्वारा कौन सी बैंक का लाइसेंस कैंसिल नहीं किया गया है, तो आप उसको तभी बता पाओगे किसका लाइसेंस कैंसिल किया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखना, इस तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता है। डीआईसीजीसी की हम लोग बात कर लेते हैं। DICGC इसका फुल फॉर्म क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता होगा मैं इसे उम्मीद करता हूँ। और DICGC के द्वारा 5 लाख रुपए तक का जो लिमिट होता है ना, अप टू 5 लाख रुपीज़ तक का क्लेम डिपॉजिटर्स को मिलेगा, ये भी आप लोगों को पता होगा। फिर भी मैं रिकॉल एक बार करा दे रहा हूँ। और DICGC के बारे में अगर बोल दिया जैसे एस्टेब्लिशमेंट ईयर वगैरह सब कुछ, उसका एक बार आप पढ़ लेना, याद कर लेना, रिकॉल कर लेना। इसके चेयरपर्सन की अगर लोग बात करेंगे तो MD पात्रा जो हैं वो DICGC के चेयरपर्सन हैं। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड एट रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इनहेंसिंग ऑपरेशनल इफिशियंसीज थ्रू मेजर्स सच एज एनर्जी एंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन, पेपर रिडक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमाइज्ड डिजिटल प्रोसेस, बाई विच नेम पंजाब नेशनल बैंक हैज लॉन्च्ड एन 8 मंथ कंपेन। ये भी आप लोग याद रखना, यानी कि ऊर्जा और संसाधन संरक्षण, कागज कटौती, अपशिष्ट प्रबंधन और अनुकूलित डिजिटल प्रक्रियाओं जैसे उपायों के माध्यम से लागत कम करने और परिचालन दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने अभी हाल ही में किस नाम से 8 महीने का एक अभियान शुरू किया है, ये इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी प्रोजेक्ट PNB प्लस इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्रोजेक्ट PNB प्लस ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है, 8 महीने का ये कंपेन है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना क्यों ये कंपेन चलाया गया है, आप लोग ध्यान रखना है, जिससे कि पेपर रिडक्शन किया जा सके, बैंकों के कामकाज के दौरान जो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, प्रिंट ना निकाल पाएं, एनर्जी को कंजर्व करें, रिसोर्सेज को कंजर्व करें, वेस्ट मैनेजमेंट पे हम लोग फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल प्रोसेसेस में हम लोग काम करें। ठीक है ना, इन सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए जो है PNB के द्वारा भी 8 महीने का एक कैंपेन लॉन्च किया गया है। किस नाम से लॉन्च किया गया ये पूछा गया है, ये इसका आंसर है, ये आपको बता दिया गया। और ये जो इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट PNB प्लस, इस इनिशिएटिव के तहत में पंजाब नेशनल बैंक के 1 लाख से अधिक कर्मचारी न्यूनतम मिनिमम 2 पौधे लगाएंगे, ऐसा इनका लक्ष्य रखा गया है। किस किस थीम पर ये कैंपेन जो है 8 महीने तक चलेगा ये भी हम लोग जान लेते हैं। हर महीने के लिए अलग अलग थीम रहेगी, ठीक है ना, 8 महीने तक के लिए है, तो कौन कौन सी थीम रहेगी हर महीने के लिए, ऐसा स्पेसिफाइड थीम तो नहीं है, लेकिन किन किन थीम पर ये कैंपेन काम करेगा वो भी हम लोग जान लेते हैं। तो डीजी ब्रांचेस एक थीम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल फंडिंग दूसरी थीम हो जाएगी, ग्रीन प्रोजेक्ट फंडिंग तीसरी थीम हो जाएगी, ग्रीन डाटा सेंटर चौथी थीम, रिसाइकिल कैंप ये हो जाएगा, ट्री प्लांटिंग ये भी इसकी थीम के अंतर्गत ही आएगा, इसके साथ साथ में पेपर सेविंग भी इसकी थीम रहेगी, एनर्जी कंजर्वेशन ओलंपिक्स ये इसकी थीम रहेगी। तो इस तरीके से बहुत सारी थीम्स पर ये 8 महीने का कैंपेन पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा प्रोजेक्ट PNB प्लस नाम से चलाया जाएगा। RBI का जो सस्टेनेबल फाइनेंस वाला विजन है उसको ध्यान में रखते हुए ये कैंपेन पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो जाएगा, अभी मैंने बताया था, द नेम यू कैन बैंक अपॉन इसकी टैगलाइन हो जाएगी। MD एंड CEO उस टाइम पे भी मैंने नहीं बताया था, एस्टेब्लिशमेंट ईयर उस टाइम पे भी मैंने नहीं बताया था, यहाँ पर भी नहीं बताऊंगा, ये आपको पता होगा इसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ, नहीं पता तो PDF खोलो, पिछले PDF में दिया गया है, याद करो आप लोग। आगे बढ़ते हैं। Who has recently been appointed as the MD and CEO of the SBI Capital Markets Limited, SBI Caps? हाल ही में SBI Capital Markets Limited के MD and CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया, वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा। राजाय कुमार सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी, नाम इनका राजाय कुमार सिन्हा है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। इन्होंने अमिताभ चटर्जी जी को रिप्लेस किया हुआ है, इनको सक्सीड किया हुआ है SBI Caps के, ये जो है इसके अगर हम लोग हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, बस और ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज दी MD ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सतपाल भानु, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सतपाल भानु इसका आंसर हो जाएगा। और इन्होंने सिद्धार्थ मोहंती जी को सक्सीड किया, ऑप्शन में ये भी दिया गया है, ठीक ना। सिद्धार्थ मोहंती जो है वो LIC के चेयरमैन बना दिए गए हैं और अब इनको CEO भी बना दिया गया है सिद्धार्थ मोहंती जी को, ठीक है। 31 दिसंबर 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा, किसका, सतपाल भानु जी का। कब तक कार्यकाल रहेगा इनका, 31st ऑफ दिसंबर 2025, ठीक है, 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा।
और ये वर्तमान में LIC जोनल ऑफिस में एडिशनल जोनल मैनेजर हैं। कौन? सतपाल भानु जी। LIC में चार MDs होते हैं, ठीक है ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चार MDs के नाम मैं बता दे रहा हूँ। एक तो ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर एक सतपाल भानु पहले MD हो जाएंगे, मिनी EP दूसरे MD हो जाएंगे, M जगन्नाथ तीसरे MD और तबलेश पांडे चौथे MD हो जाएंगे। LIC ने चेयरमैन पोस्ट खत्म करने का फैसला लिया है और उनको मतलब उसकी जगह पे CEO का पोस्ट मतलब बनाया गया है। तो LIC के पहले CEO के रूप में सिद्धार्थ मोहंती जी हैं, इनको पहला CEO LIC के लिए बनाया गया। स्टैटिक का क्वेश्चन ये बन सकता है कि LIC का पहला CEO कौन है, तो सिद्धार्थ मोहंती जो हैं वो LIC के पहले CEO के रूप में बनाए गए हैं और जून 2025 तक सिद्धार्थ मोहंती जी का कार्यकाल रहेगा एज ए CEO ऑफ LIC, CEO ऑफ LIC के रूप में जून 2025 तक सिद्धार्थ मोहंती जी का कार्यकाल रहेगा, ठीक है ना। और LIC के चारों MD आप जो मतलब ये आपको नाम बताया मैंने, जो भी LIC के चारों MD हैं वो उस LIC के CEO यानी कि सिद्धार्थ मोहंती जी को रिपोर्ट करेंगे, ठीक। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का और हम लोग यहीं पर वीडियो अपना वाइंड अप करेंगे। और 22 जुलाई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अपने आगे आने वाले वीडियो में हम लोग उससे आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में आप लोगों से एक सजेशन, एक फीडबैक मुझे चाहिए होगा कि जो ये भी MCQ के फॉर्मेट में मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं क्या, आप लोगों को MCQ के फॉर्मेट में ही चाहिए या फिर मैं सोच रहा हूँ कि इसको न्यूज़ के फॉर्मेट में आपको पढ़ाया जाए। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पढ़ा सकता था कि सतपाल भानु जी को अभी LIC का नया MD एंड CEO बनाया गया, ये क्वेश्चन नहीं लिखता, ये ऑप्शंस नहीं डालता और इसके बारे में सारी चीज़ें बता देता, ये सही तरीका है या फिर क्वेश्चन और ऑप्शन जो MCQ के फॉर्मेट में है वो, एक सजेशन भी आपको चाहिए होगा, आप लोगों से चाहिए होगा। दूसरा ये कि नेक्स्ट ईयर से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि PDF कोर्स बंद कर दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ वीडियो ही अवेलेबल कराया जाए और वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाएँ। क्या सुझाव है आपका, क्या फीडबैक है आप लोग दीजिएगा और बस खत्म करेंगे चीज़ों के यहाँ पर। अगले वीडियो में हम लोग आपसे मिलते हैं। थैंक यू।